दोस्तों कल वाली वीडियो में आपको बताया कैसे कुछ लोग हैं वो यहाँ पर गूगल में फर्स्ट नंबर पर सेकंड नंबर पर रैंक कर रहे हैं, वो भी कैसे सिर्फ आर्टिकल रिव्यू लिखकर, जो भी सिर्फ चैट जीपीटी से, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो चैट जीपीटी का यूज़ आप कर सकते हैं। इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मोबाइल में करना चाहते हैं तो, और अगर आप पीसी में करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर सिंपली आ जाइएगा और क्या कीजिएगा, सबसे पहले साइनअप कर लीजिएगा। ओके, अगर आपका साइनअप है तो आप लॉग इन कर लीजिएगा और चैट जीपीटी का मेन डैशबोर्ड पर आ जाइएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक AIPRM, ये एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप सिंपली इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपके सामने ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, AIPRM फॉर चैट जीपीटी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल के जो क्रोम वेब स्टोर है आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मतलब रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अपने जो कंप्यूटर है इसमें यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लिया करते हैं तो आपके सामने देखिए ऐसा कुछ डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कई सारे यहाँ पर प्रीबिल्ड प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमको ह्यूमन राइट रीराइटर का मिलता है, हम एक क्लिक में एक बुक यहाँ पर से लिख सकते हैं, हमको एक हाई कन्वर्टिंग आर्टिकल अगर बनाना है तो हम यहाँ पर से यूज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ से किसी आर्टिकल को लिखें। ठीक है, तो हम कहते हैं किस ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं, हम दोस्तों एक ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिकल रीराइट करना। ओके, तो आर्टिकल रीराइट की सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर से सिंपली वन क्लिक में अगर यहाँ पर से आर्टिकल बनाना चाहते हो तो चैट जीपीटी अपनी तरफ से कुछ उस वाले प्रोडक्ट के बारे में उल्टी पुल्टी अनऑप्शनल बातें लिख देता है, जो कि काफ़ी बार अट्रैक्टिव नहीं होती है और पीपल उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आर्टिकल रीराइटर टूल का यूज़ करने वाले हैं या फिर एक तरह से प्रॉम्प्ट का यूज़ करने वाले हैं इस वाले चैट जीपीटी AIPRM के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली या तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं रीराइटर, आर्टिकल रीराइटर, या फिर मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वाला आर्टिकल रीराइटर का प्रॉम्प्ट देखने को मिलता है। साथ साथ में अगर हम नीचे आते हैं तो हमको आउटरैंक आर्टिकल का भी यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देखने को मिलता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर आप आगे जाएंगे जैसे कि हम नेक्स्ट पेपर पर क्लिक करते हैं तो हमको और भी ज़्यादा यहाँ पर रीराइटर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा एक ऑप्शन, और इसके बाद में हम और अगर आगे जाते जाएंगे तो हमको और ज़्यादा रीराइटर के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो मिलते जाएंगे। ओके, तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी एक का यूज़ करो, क्योंकि कई बार जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो फेल भी हो जाया करते हैं यहाँ पर, इसलिए आप दो या तीन का यूज़ करके देखिएगा और जितना आप अच्छा आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं उसका जनरेट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो गूगल में नंबर वन पर नंबर सेकंड पर रैंक करे। पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्री वाइव रिव्यू लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने जेनस्क्रिप्ट रिव्यू लिखा हुआ है। अब ये फ्री वाइव और जेनस्क्रिप्ट क्या है तो मैं आपको बता दिया करता हूँ दोस्तों। प्यूरावाइव है ना, ये तो एक क्लिकबैंक का प्रोडक्ट है, और क्लिकबैंक का प्रोडक्ट है, इससे आपको $135 पर सेल मिलते हैं। $135 का मतलब लगभग 11,000 रुपये आप सिर्फ एक सेल से कमा सकते हो प्यूरावाइव की। और वहीं आप जेनस्क्रिप्ट की बात करूँ तो जेनस्क्रिप्ट मैंने खुद पर्सनली प्रमोट कर रहा हूँ आज के दिनों में, और इससे लगभग मेरे को एक सेल भी आई है $29 की डिजिस्टोर के अंदर। ये डिजिस्टोर का प्रोडक्ट है, और मैं आपको बताना चाहूँ तो क्लिकबैंक पर अगर आप अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। काफ़ी सारे बंदों के होते हैं अकाउंट सस्पेंड, तो अगर आप क्लिकबैंक का प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं डिजिस्टोर का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि जेनस्क्रिप्ट हो गया, आप यहाँ पर इसका रिव्यू लिख सकते हैं। अब रिव्यू लिखने के लिए कुछ ज़्यादा आपको कुछ खास करना नहीं है, आपको क्या करना है सिंपली उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उस वहाँ रिव्यू लगा कर सर्च कर लेना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे रिव्यू मिल जाएंगे, तो आप ये कर सकते हो इन वाली कुछ वेबसाइट से, इनमें से किसी भी एक वेबसाइट पर जा सकते हो, यहाँ पर आपको रिव्यू है वो देखने को मिले। जैसे कि ये मीडियम का आर्टिकल है, ठीक है, वेसली ओरिजिन जेनस्क्रिप्ट रिव्यू का, तो हम यहाँ पर क्लिक कर दिया करते हैं तो हमारे सामने ये वाला जो आर्टिकल है ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, इसको रीराइट कर सकते हैं। अब रीराइट करने के लिए हमको करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले पूरा कॉपी करना पड़ेगा, उसको हम कॉपी करके आके यहाँ पर चैट जीपीटी में पेस्ट कर देंगे और इससे कहेंगे कि रीराइट कर दे। ओके, तो ये हमको 100% ह्यूमन स्कोर वाला ये एक रीराइटर प्रॉम्प्ट है दोस्तों, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो एक बार बस हमको इस पर क्लिक करना होगा, इसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग आर्टिकल है वो हमको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर से हमारा जो आर्टिकल था वो ये है, तो हमको इसको डालना पड़ेगा, पूरा कॉपी कर लेंगे हम इसको और पेस्ट कर देंगे उधर की तरफ। ठीक है, तो एक बार हम इसको पूरा पढ़ लिया करते हैं और समझ लिया करते हैं, और जैसे ही आप इसमें देख लिया करते हैं कि कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है तो आपके करेंगे इस पूरे को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लिया करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको उधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पूरा आर्टिकल को पेस्ट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो मेन टाइटल है उसको भी कॉपी कर लिया करते हैं, तो ये इसका टाइटल हो गया, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ऊपर ही ऊपर। तो जैसे हम इसको पेस्ट कर दिया करते हैं, उसके बाद में शिफ्ट दबाकर हम इंटर कर देंगे। ठीक है, और इसको नीचे ले आएंगे,
अब हम इस पूरे को एक बार कॉपी कर लिया करते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है एक प्रॉम्प्ट काम नहीं करता है तो हम क्या करेंगे दूसरे प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो हमने ये पूरा पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिख दिया है। अब चैट जीपीटी का क्या रिस्पॉन्स आता है हम देख लिया करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर पूरा आर्टिकल लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब ये पूरा का पूरा आर्टिकल को रीराइट करना है दोस्तों अपने हिसाब से, और हम ये एक आर्टिकल कॉपी पेस्ट करने वाले हैं गूगल ग्रुप्स के अंदर। अभी जब तक ये आर्टिकल बना रहा है वैसे तो इसने आर्टिकल बना दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गूगल ग्रुप्स के अंदर चले जाते हैं। अब गूगल ग्रुप्स कैसे बनाना है, मतलब ग्रुप कैसे क्रिएट करने हैं गूगल ग्रुप्स के अंदर, तो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप यहाँ पर सिंपली गूगल ग्रुप्स लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे हम गूगल ग्रुप्स लिख लिया करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा, तो हम यहाँ पर चले जाते हैं। और यहाँ पर आ जाने के बाद में हमको यहाँ पर क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करके तो आप अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप ध्यान करके गूगल करके देखें तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी कई सारे ग्रुप्स मिलते हैं, जैसे कि आप देखिए मोजिला वाला ग्रुप है, ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है। ओके, जेनस्क्रिप्ट वाले में भी मोजिला वाला जो ग्रुप है वो कॉमन आ रहा है, और ये प्यूरा वाई वाले में भी यहाँ पर से हमको मोजिला वाला जो ग्रुप है ये देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों ग्रुप जो कीवर्ड्स है प्यूरा वाई रिव्यू और जेनस्क्रिप्ट रिव्यू, अगर आप कोई दूसरा रिव्यू भी लेते हैं तो उसमें भी दोस्तों आपको जो मोजिला वाला जो ये ग्रुप है ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप काफ़ी पॉपुलर है और इसकी जो पोस्ट है वो लिंक करेंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके अंदर पोस्ट बनाओ, और आप चाहो तो अपना खुद का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने कल आपको बताया था क्रिएट ग्रुप के बटन पर क्लिक करके आप अपना खुद का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्यूरा वाई रिव्यू का खुद का ग्रुप क्रिएट करके रखा है जो मैंने कल आपको बताया था, और जो ये वेट लॉस का ग्रुप है ये मैंने बहुत दो दिन पहले ही क्रिएट किया है। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो ग्रुप ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं तो आप वहां पर आइए, वहां पर अपना रिव्यू पोस्ट कीजिए। तो जैसे कि मैं मोजिला वाले जो ग्रुप है यहां पर आ चुका हूं, यहां पर हमको न्यू कन्वर्सेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमको सजेस्ट सब्जेक्ट डालना होगा, यहां पर हम रिव्यू हमारा पेस्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद पोस्ट मैसेजेस का बटन पर क्लिक कर देंगे तो हम आ जाया करते हैं हमारे चैट जीपीटी के अंदर, और चैट जीपीटी में हमको ये पूरा पूरा आर्टिकल यहां पर मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे इस पूरे को यहां पर कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर आ जाएंगे फिर से हमारे ग्रुप में, और यहाँ पर से इसको कर देंगे पेस्ट। ओके, तो ये तो हम पेस्ट कर देंगे, साथ साथ में हमको यहाँ पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चैट जीपीटी से इसका सब्जेक्ट लिखने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें दोस्तों सब्जेक्ट भी इसका बना लिया है जो कि हमने रिव्यू के ऊपर ही बनाया है। ओके, तो इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे इस पूरे जो हमने आर्टिकल लिखा है यहाँ पर हम इसको पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट करने के लिए हमको यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है, पर आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आर्टिकल को सबमिट करने से पहले अपने एफिलिएट लिंक्स लगाना मत भूलिएगा। ओके, तो एफिलिएट लिंक्स लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, अपना डी स्टोर का अकाउंट या क्लिक बैंक का अकाउंट बनाना होगा, जिसे आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे आप अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद आपको वहाँ पर से अपना लिंक है वो पिक करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बता दिया करता हूँ, कि जैसे कि मैं डी स्टोर 24 में हूँ अभी, ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पर जैसे हम लॉगिन कर लिया करते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी जो सेल है टोटल वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लॉग आउट हो चुके हैं, तो मैं एक बार इसको लॉगिन कर लिया करता हूँ दोस्तों। तो ये दोस्तों हम लॉगिन हो रहे हैं अभी हमारे डी स्टोर 24 के डैशबोर्ड में, और मैं आपको मेरी अर्निंग भी शो कर दिया करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो अभी तक मैंने अर्न कर ली है। ओके, तो अभी मैं खुद भी एक तरह से बिगिनर के तौर पर ही काम कर रहा हूँ दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग में, और आपको भी सिखाते जा रहा हूँ साथ ही साथ में। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने आपके सामने अब मेरा अकाउंट लॉगिन किया था, और यहाँ पर $116 है, ये मैं कोई भी इंस्पेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ब्राउज़र के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं वो आपको दिखाते हैं कि हमारे $1,000 हो चुके हैं, हमारे $2,000 हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं दोस्तों इनको इसको इंस्पेक्ट कर लिया करते हैं, यानी कि एक बार क्लिक करके इसको फिर अपडेट कर दिया करते हैं। पर मेरी ओरिजिनल अर्निंग है, मैं आपको एक बार रिलोड करके भी दिखा दिया करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, यहाँ पर $116 ही हैं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये $116 कैसे हुए, और $116 दोस्तों कुछ छोटा सा अमाउंट है, आप यहाँ पर $1,000 अर्न कर सकते हो फिर मार्केटिंग के थ्रू। तो कैसे करना है आपको मैं वही तरीका आपको बताना, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनके लिए ये तरीका वर्क कर रहा है। ओके, रिव्यू लिखने का, जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल से इनके पास में हज़ारों लोगों का ट्रैफिक जा रहे हैं, और हज़ारों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग भी यहाँ पर बाय कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक प्रोडक्ट के आपको ₹11,000 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर से अगर 10,000 मतलब 10 प्रोडक्ट भी अगर बाय होते हैं तो 1,00,000 तो अर्निंग ही हो जाती है, और हज़ारों भी इनके आ रहे हैं, यानी कि इनके कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिक रहे होंगे। अगर लगभग यहाँ पर अंदाजा लगाया जाए तो 4,000 रुपीज़, जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था पीटर वाई रिव्यू वाले इस आर्टिकल पे, तो 4,000 व्यूज़ में से अगर हम मान लेते कि 50 या 100 प्रोडक्ट भी अगर बिक जाते हैं तो दोस्तों 10,00,000-20,00,000 का यहाँ पर काम हो जाया करता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, इन्होंने यहाँ पर अपना जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो ये होता है लिंक, ठीक है, एफिलिएट लिंक वो यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली कॉपी कर लिया करते हैं, और हम भी ऐसे ही लिंक यहाँ पर हमारे आर्टिकल में लगाने वाले हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हमारे आर्टिकल के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर इसको एक बार इंटर कर दिया करते हैं, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और ऐसे ही हम यहाँ पर नीचे भी एक बार लास्ट में आ जाते हैं और हमारे लिंक को पेस्ट कर देते हैं।
दोस्तों इनको लिंक को पेस्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमको एक बार लिंक चेंज करना होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर हम हमारा लिंक लगाने वाले हैं। तो हम फिर से आ जाते हैं रजिस्टर 24 में, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे, और यहाँ पर जो क्रोम जनरेटर है ओके, यहाँ पर जो कि मैं जेनिस्क्रिप्ट का जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जेनिस्क्रिप्ट यहाँ पर लिख दिया करते हैं। और यहाँ पर हमारी कैंपेन की लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि कैंपेन की से क्या होता है कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस वेबसाइट पर से सेल आई है ओके। मैं कई बार ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को पता नहीं लग पाया मेरी फर्स्ट सेल के अंदर कि वो कहाँ से आई थी, पर अब मैं इसका यूज़ करना सीख चुका हूँ और यूज़ कर भी रहा हूँ हाथों हाथ ठीक है। तो मैं यहाँ पर जी लिख दूंगा, जी यानी गूगल ग्रुप्स ठीक है। आप यहाँ पर पूरा गूगल ग्रुप से डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग जाए, वैसे मेरे ये समझने के लिए काफ़ी है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर से हम लिंक को पेस्ट करेंगे। अभी देख जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने टिनी यूआरएल के यूआरएल शॉर्टनर का यूज़ किया, तो हम भी सेम काम करने वाले हैं। हम जाएंगे टिनी यूआरएल की वेबसाइट पर, और टिनी यूआरएल पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि एक शानदार वेबसाइट है, आई थिंक यूआरएल शॉर्टनर है जिसका यूज़ कई सारे लोग करते हैं, और मैं भी आजकल इसी का यूज़ करने लगा हूँ, पहले मैं बिटली का यूज़ करता था ओके। तो यहाँ पर से हम आ जाते हैं और हमारा यूआरएल को शॉर्ट कर देते हैं। तो आप जैसे देख पाएंगे हमारा अकाउंट ऑलरेडी टिनी यूआरएल में बना हुआ है, और हम इसको शॉर्ट कर लिया करते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि हमारे जो माइन यूआरएल के अंदर आप क्लिक करते हैं, हमारे जो पिछले यूआरएल से वो भी आप यहाँ पर से देख पाएंगे ओके। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे इस आर्टिकल के अंदर, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे इस लिंक को, और यहाँ पर से हमारे लिंक है उसको पेस्ट कर देंगे ओके। इसके बाद हम नीचे आएंगे और इस पूरे लिंक को सिलेक्ट करेंगे और हमारा लिंक यहाँ पर से लगा देंगे ओके। तो यहाँ पर से हमारा जो आर्टिकल है वो पूरा रेडी हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम क्या करेंगे एक बार इस पूरे को क्लिक करके इसको शुरुआत में भी लगा देंगे ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और इनको दो दो पैराग्राफ के बीच में, दो दो तीन तीन पैराग्राफ के बीच में यहाँ पर से लगा देंगे ठीक है। और हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर भी हमारा लिंक इंसर्ट कर देते हैं, और ऊपर आते हैं और लिंक इंसर्ट कर देते हैं ठीक है। तो इतने लगभग हमने चार लिंक इंसर्ट किए हमारे आर्टिकल के अंदर। अभी कोई बंदा आता है ये अगर पोस्ट रैंक करती है गूगल के अंदर ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो है ना प्रोडक्ट ठीक है, जो आर्टिकल है, तो ऐसा नहीं कि आपका एक आर्टिकल से वो रैंक करने लग जाएगा ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहा हूँ दोस्तों कि एक आर्टिकल यहाँ पर नहीं होता है, आपको यहाँ पर कई सारे आर्टिकल लिखने पड़ेंगे ठीक है। आपको एक आर्टिकल लिखने में लग रहा भी क्या समय है दोस्तों, आप चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाओगे ठीक है, रिराइट करवाओगे, तो आप कई सारे आर्टिकल लिखिए। और दोस्तों ये गूगल में रैंक भी होते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि गूगल में रैंक नहीं होंगे तो दोस्तों गूगल में रैंक होंगे। क्यों होंगे गूगल में रैंक, क्योंकि दोस्तों ये गूगल की वेबसाइट है, वो गूगल की वेबसाइट अपनी वेबसाइट को प्रमोट करती है फर्स्ट पायदान पर। जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल ग्रुप्स ने गूगल ग्रुप्स की अपनी खुद की वेबसाइट को सबसे आगे रखा है, बाकी सबको पीछे कर दिया है ओके। तो यहाँ पर रैंक होगा, आपका आर्टिकल भी रैंक होगा, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको दिन में कम से कम 10 आर्टिकल तो यहाँ पर रोजाना पोस्ट करने होंगे दोस्तों, अगर आप महीने के अंदर लाखों रुपए की अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप इस काम को लेकर सीरियस होते हैं तो आप यहाँ पर से कई सारे मनी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इस वाले जो ट्रैफिक सोर्स है इसका यूज़ बहुत कम लोग कर रहे हैं, और यूट्यूब पर भी शायद मैं ही आपको सबसे पहले इसके बारे में बता रहा हूँ ओके। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और इस वाले जो मैसेज है इसको पोस्ट मैसेज क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर से पोस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी ओके। और यहाँ पर से अगर आपके पास में ये कैप्चा आता है तो आप इस कैप्चा को सॉल्व कर दीजिएगा और यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया करते हैं तो आपका आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, और आप सिर्फ एक ही आर्टिकल को पोस्ट करके मत रह जाइएगा, यहाँ पर कई सारे ग्रुप्स होते हैं ठीक है। जैसे मैंने आपको मोजिला वाला ग्रुप दिखाया, तो यहाँ पर आपको कोई दूसरा ग्रुप भी देखने को मिलता है, जैसे कि ये वाला ग्रुप आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स वगैरह को, साथ साथ में आप खुद का ग्रुप तो बना ही सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस वाली वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो इस वाली वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात है आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।